हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेरे पास ये जो भी छोटी छोटी ब्यूटीफुल पोलर ब्लू पैरेट्स है, ये सारे पोलर ब्लू पैरेट्स का मैं कैसे ब्रीडिंग कर सकता हूँ, क्या इसका ब्रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मैं आपको बस यही चीज़ अश्योर कर सकता हूँ, अगर आप ये वीडियो को डेफिनेटली पूरा देखिएगा तो आप बहुत ही सक्सेसफुली अपने घर पे पोलर ब्लू पैरेट का ब्रीडिंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वगैरह ऐसा नहीं है जो कि आपको लग रहा है। बस आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आपको मुझे कमेंट करना है, आपको जितना भी डाउट वगैरह है सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए आज का जो वीडियो वो आप पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोलर ब्लू पैरेट के बारे में। ये फिश को ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा इजी है क्योंकि ये फिश जो होती है बहुत ही ज़्यादा छोटी स्पीसीज की होती है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है जैसे कि हमारी पैरेट फिशेज होती है, ये उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन उसका जो भी बिहेवियर वो सेम एक पैरेट फिश की तरह ही होता है। बस इस फिश को ब्रीड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक राइट पेयर बाय करके लेके आना होगा। जब आप एक राइट पेयर को बाय करके लेके आ जाएंगे, उसको अपने 2 फिट के टैंक, मिनिमम साइज जो है 2 फिट का होना ही चाहिए, 2 फिट के टैंक में आपको डालना होगा। उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक हाइडिंग प्लेसेस लगाना होगा जिसपे वो घुस के अंदर में बहुत सारे एग्स को लेकर है। आपको ओपन ऐसा कोई ट्रे वगैरह नहीं रखना, मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा, उस पर वो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा डरी भी रहती है। लेकिन वही अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हिडन रहता है, गोल स्ट्रक्चर केव स्ट्रक्चर का रहता है, ये मैं एक्सपीरियंस किया, वो चीज़ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका टेक केयर वगैरह करती है, वहाँ पर वो छुप के अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टैंक साइज 2 फिट होना चाहिए, और दूसरा एक आपको हाइडिंग प्लेस देना है जिसपे वो बहुत सारे एग्स को ले करे। ये सारा चीज़ करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है आपको फिश को एकदम भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर आपकी फ़िश का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा डरी भी रहेगी, अगर आप देख रहे हो वो, अगर आप टैंक के पास में आ रहे हो, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विम कर रही है या फिर हाइड कर रही है अपने आप को, तो वैसे टाइम पे वो ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी। उसके साथ ही साथ आप देखिएगा 1 महीना 2 महीना हो गया लेकिन वो एग्स वगैरह को ले नहीं करेगी। इसलिए आप जब भी ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा फिश को स्ट्रेस में नहीं डालना है, फिश को आपको थोड़ा सा टाइम देना है। वो देखिएगा जैसे आप आइएगा टैंक के पास में, पैलेट्स वगैरह दीजिएगा, वो दौड़ते हुए आएगी, पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट करेगी। ऐसा अगर आपकी फिशेस कर रही है इसका मतलब वो बहुत ही जल्द ब्रीडिंग करेगी, अगर आपके पास राइट पैर है तो बहुत ही जल्दी ब्रीडिंग करेगी, और उसके साथ ही साथ आपको ढेर सारा प्राइस मिल सकता है अगर आपके फिश का जो स्ट्रेस वो कम रहता है तो। बहुत लोग क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे एग्स वगैरह को चेक करने के लिए वो हाइडिंग प्लेसेस को उठा उठा के देखते हैं क्या वो एग दिए, ऐसा करना भी एकदम गलत है। अगर आप रेगुलर बेसिस में 2-3 दिन के गैप में अगर आप वो हाइडिंग प्लेसेस को उठा उठा के देखेगा तो डेफिनेटली वो ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको रेगुलर बेसिस पे पैलेट्स वगैरह देते रहना है जिससे कि उसका भूख वगैरह जो है वो मिटा हुआ रहे। अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, अगर उसका पेट वगैरह भरा रहेगा, इनफ एनर्जी रहेगा उसके पास जो कि आपको हाई क्वालिटी पैलेट्स वगैरह देना है, अगर वो सारी चीज़ अगर आप सक्सेसफुली देते रहते हैं अपने फिशेस को तो डेफिनेटली आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो उसके बाद ब्रीडिंग करने के बारे में सोचेगी और आपको टैंक में ब्रीडिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा। बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, हाई क्वालिटी पैलेट्स वगैरह देना है, रेगुलर बेसिस में वीक में 10% पानी आपको चेंज करते रहना है, पानी भी फ्रेश रहेगा इससे भी उसको ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पानी का क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा तो गंदे क्वालिटी में वो लोग ब्रीडिंग नहीं करेंगे। सोचिए कि मेरी फ्राइज के लिए ये जो भी टैंक है वो सेफ नहीं है तो वो क्या करेगी, अगर ब्रीडिंग करती भी है एग्स वगैरह ले करती भी है तो वो सारे एग्स को वो लोग अपने खा लेगा, डैमेज कर देगा पूरा एग्स को। अगर आपके पोलर ब्लू पैरेट को लगता है कि ये टैंक वो लोग के लिए सेफ है तभी वो लोग ब्रीडिंग करेंगे, वरना वो लोग ब्रीडिंग वगैरह नहीं करेंगे। इसलिए आपको वैसा सेफ इन्वायरमेंट वो लोग के लिए बिल्ड करना होगा, पानी फ्रेश रखना है। पानी फ्रेश रखने के साथ ही साथ आपको टैंक का टेम्परेचर को भी एग्जामिन करना है, टैंक का टेम्परेचर कितना है, टैंक का जो टेम्परेचर वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहना चाहिए क्योंकि ये जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर में फिशेस बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है, डाइजेस्ट वगैरह फूड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाती है। इसलिए टैंक का जो टेम्परेचर वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोगों का पैरेट फिश का रहना चाहिए। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टैंक में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह
मत लगाइए। अगर आप ब्रीडिंग पर्पस के लिए कोई पैरेट फिशेज बाय करके लाए हैं तो टैंक को डार्क ही रखिए, रूम का लाइट वगैरह ही इनफ है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट से भी वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लगती है, और अगर वो लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डर रही है तब ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा। नहीं डर रही है तब, उसके बाद अगर एक्टिवली रह रही है टैंक में तब लाइट वगैरह थोड़ा बहुत जला सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा डर रही है तब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा। ब्राइट लाइट से भी अगर वो लोग का स्ट्रेस हाई हो जाता है तो ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे। लाइट वगैरह को भी आपको कंट्रोल करके चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा रखने से भी एल्गीज वगैरह ग्रो करेगा, इसलिए लाइट का भी आपको खास ध्यान रखना है। मैं अपने टैंक में काफ़ी बार पोलर ब्लू पैरेट का ब्रीडिंग किया। बस अगर आपके पास एक अच्छा फर्टाइल मेल मिल जाता है तो डेफिनेटली आप देखिएगा आपकी जो भी पोलर ब्लू पैरेट है वो बहुत ही ईजिली ब्रीड करेगी। कई बार ऐसा भी होता है अगर आपके पास एक फर्टाइल मेल नहीं मिल रहा है तो वो एग्स वगैरह ले करेगी लेकिन एग्स से बेबीज वगैरह नहीं निकलेगा, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो इसका मतलब ये है आपकी जो भी मेल है वो फर्टाइल नहीं कर पा रही है, आपका जो भी एग्स वगैरह आपकी फीमेल दे रही है। तो वैसे टाइम पे भी आप मेल्स को चेंज करते रहिए, दूसरा मेल जो है उसको डालिए और वो पुराना वाला मेल को हटा दीजिए। तो इससे भी आप देखिएगा दूसरी बार वो जो ब्रीडिंग करेगा अगर वो मेल जो है वो फर्टाइल है तो देखिएगा आपको बहुत सारा बेबीज देखने को मिलेगा। ये सारे चीज़ को अगर आप सही से कीजिएगा, एक सही पेयर बाय करके लेके आइएगा, जितना भी चीज़ मैं बताया हूँ सही से अगर आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली आप देखिएगा 1 मंथ के बाद में आपका जो भी ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुली हो चुका होगा, आपको ढेर सारा प्राइज भी मिल चुका होगा। बस आपको जितना कुछ भी टिप्स में बताए हैं ये सारे चीज़ को सही से फॉलो करना है। और अगर आपका सक्सेसफुली ब्रीडिंग हो जाता है तो 1 मंथ बाद में आपको बस यही बोलूंगा वापस इस वीडियो पे आना और आपको कमेंट करना है कि हाँ ये आप जो भी बताए थे ये वर्क किया है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिला होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विथ मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।